चलो हिरानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासनो, सौव पावपणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणम च सौवेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की, सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे, और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मैं भाव कर्म धर्म कर्म नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में, सुचरणों में समर्पित हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय श्री स्वामी प्रभु, जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न? जय सच्चिदानंद। कुंसल जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नीलम बेन, कोई प्रश्न? बोलिए नीलम बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। एक ये चरण विधि में है, सभी जीवों के प्रति संपूर्ण अविराधक भाव और सभी संकिति जीवों के प्रति आराधक भाव, कैसे? मतलब अविराधक भाव क्या है और आराधक भाव क्या है? बराबर है, देखिए ये जो अपने को जो ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने से पहले अपन कैसे थे? तो के मैं हिरन हूं और मैं ही करता हूं, तो के ये जो शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूं, ये ज्ञान नहीं था। उसके हिसाब से क्या होता था? तो के जहां पे भी मेरे को सही नहीं लगता है, वहां पे मैं गलत तरीके से सोचता था, क्योंकि मैं हिरन हूं और मैं ही करता दृष्टि से देखते थे। जी समझ में आया? तो उसी दृष्टि के हिसाब से क्या होता था, तो कि सामने जो अपनी दृष्टि थी, तो वो व्यक्ति है कि शुद्धात्मा भगवान है, सामने अपने सामने है वो,
पहले ज्ञान विधि प्राप्त करने से पहले वो व्यक्ति था, अब शुद्ध आत्मा समझ आता है। तो ज्ञान मिलने से पहले वो अपन अंदर शुद्धात्मा वो भगवान है उसका दर्शन नहीं करते थे। जी सुन, तो जो भी अपन सोचते थे उसके लिए जो भी करते थे तो उससे क्या होता था, तो कि उससे विराधना होती थी। ये जो आपने जो सेंटेंस बताया वो फिर से बोलिए। संसार के सभी जीवों के प्रति संपूर्ण अविराधक भाव और सभी संकीति जीवों के प्रति संपूर्ण आराधक भाव मेरे हृदय में सदा संस्थापित रहे। हाँ, तो ये जो अपनी विराधना होती थी वो अब रहेगी कि चली गई? अब चली गई है। कैसे चली गई? कि शुद्ध आत्मा दिखाई देती है अब उनमें। हाँ, भी वो दृष्टि बदल गई। जी, जो दृष्टि थी वो दृष्टि से अपन उसको कर्ता देखते थे, परमात्मा का दर्शन नहीं करते थे। जी स्वामी, समझ में। तो जो विराधना हो रही थी वो बंद हो गई। जी, और संकीति जीवों के प्रति आराधक भाव, मतलब जो संकित जिसको प्राप्त हुआ है जी, तो उसकी अपन आराधना करते हैं। बराबर, जिनको मोक्ष हो गया है, तीर्थंकर हाँ, भगवान जो भी हाँ, है हाँ, उनके प्रति आराधक भाव, उसके प्रति आराधक भाव है। तो जैसे सिमंदर स्वामी भगवान है। हाँ, सिमंदर स्वामी भगवान, दादा भगवान है, दादा हाँ, भगवान है। तो जिसको केवल ज्ञान हो गया है जी, उसके प्रति अपना जो भाव है तो वो आराधक भाव है। समझ में आया? जी स्वामी जी, उनके प्रति आराधक भाव है हमेशा। और अभी तक कैसा था, तो कि जब तक दृष्टि प्राप्त नहीं हुई थी, मैं खुद वो कौन हूँ वो जानता नहीं था, तो क्या होता था, सबसे ज्यादा जो विराधना करते थे, तो कि किसकी विराधना करते थे, कि जो धर्म है उसकी ही विराधना करते थे। कैसे विराधना करते थे, तो कि मैं जैन हूं तो मेरा धर्म सही सही, दूसरे सब 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 धर्म गलत। बराबर, अपने धर्म को उच्च मानना, ये एक तरह से अपने धर्म को उच्च मानना। तो अभी अभी जो आपको धर्म प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, तो कि आत्म धर्म प्राप्त हुआ। अभी सभी धर्म ऊंचे हैं, सब शुद्ध आत्मा भगवान है। जो धर्म के जो भी भगवान है, लेकिन वो संकीति है, तो उसके प्रति अपनी आराधक भाव हो गया। जी, और जो अन्य लोग है, तो उसकी जिस तरह से विराधना होती थी वो बंद हो गई। जी स्वामी, बराबर। अभी सब धर्मों के जो भगवान है, जो भी है, जिन्होंने उच्च दशा प्राप्त कर ली, उनके लिए अपने आराधक भाव हो गए। और दूसरे कोई भी प्राणी हो, सबके प्रति अपना जो शुद्ध आत्मा भाव अपने को समझ आ गया, वो अविराधक भाव हो गया। अविराधक भाव हो गया, बराबर। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा। एक ये भी था कि आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, इनमें क्या डिफरेंस है? आप जैन है? जी स्वामी जी। तो के आलोचना मतलब क्या, तो के अपने जो दोष हुए है जी, उसको जाहिर करते हैं मन में। जी स्वामी, समझ में आया? हाँ। जो भी आपसे जितनी भी गलतियां हुई है उसको मन में जाहिर करते हैं, वो आलोचना कहते हैं। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण मैंने क्या, तो कि जो आलोचना में आपने जाहिर किया कि ये गलती हुई है, तो प्रतिक्रमण का मतलब क्या है, कि उसकी माफी मांगना। बराबर, आलोचना मतलब अपनी गलतियों को जाहिर करना। प्रतिक्रमण उसके लिए क्षमा मांगना, प्रतिक्रमण मांगना। और प्रत्याख्यान, तो कि ये जो गलती जाहिर करी और जो गलती की माफी मांगी, वो गलती दूसरी बार ना हो, ऐसा निर्णय निश्चय करना। बराबर, लेकिन ये जो आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और प्रत्याख्यान करते हैं, तो किसी को बोलते नहीं, मन में जाहिर करते हैं। जी स्वामी जी, तो ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान किसके प्रति करते हैं अपन?
सभी शुद्ध आत्मा के प्रति कोई भी दूसरे हो, मतलब क्या कि आपके अंदर जो विराजमान परमात्मा है। जी स्वामी, समझ में आया? तो ये जो नीलम बेन है, जी स्वामी, तो नीलम बेन है वो अपने अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है उनको साक्षी में रख के ये आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करते हैं। जी स्वामी जी, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हो गया ये, सबसे पहला अपनी आलोचना करना, फिर उसका प्रतिक्रमण करना, प्रतिक्रमण करना, फिर प्रत्याख्यान करना, वो एक के बाद एक स्टेप है अपना। अब आलोचना करते हैं तो उसके अंदर अपने जो दोष है, जो गलतियां हुई है वो जाहिर करते हैं। तो किससे जाहिर करते हैं? खुद अंदर बैठे शुद्ध आत्मा भगवान, भगवान को। फिर उसकी माफी मांगते हैं तो किसके सामने मांगते हैं? वो शुद्ध आत्मा भगवान के सामने ही माफी, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करते हैं, फिर से दोष नहीं हो ऐसा निश्चय करते हैं। वो किसके साथ करते हैं, किसके प्रति करते हैं? वो भी शुद्ध आत्मा भगवान के सामने, शुद्ध आत्मा प्रति करते हैं। तो क्या होगा फिर? तो आपने किसकी हाजिरी में किया? जैसे आपने मेरे को, मेरे सामने किया है, तो क्या होगा कि आप कभी भी गलती करेंगे तो आपको पता है कि हिरण भाई तो है नहीं। समझ में आया? जी समझो, आपने आपने आपके मम्मी है, आपके डैडी है, कि कोई भी आपके फ्रेंड है, उसके सामने किया गलती, जाहिर करा है। लेकिन वो गलती जब दूसरी बार करते आप, जी समझो, दूसरी बार जब गलती करते तो वो तो हाजिर है नहीं। जी समझो, समझ में आया? लेकिन ये कितनी बड़ी चीज हो गई के जो अभी अपन जो दोष जाहिर करते हैं, माफी मांगते हैं और नहीं करने का निर्णय निश्चय करते हैं, वो अपने ही अंदर बैठे हुए परमात्मा के सामने करते हैं। जी स्वामी जी, तो उससे क्या बनेगा कि फिर से जब भी गलती होगी, या तो आप गलती करने के लिए जाएंगे तो अंदर बैठे हुए परमात्मा आपको बताएंगे। जी स्वामी, गलती कर रही है, गलती नहीं करने देंगे, एक बार अपने को दे देंगे निर्देश की तो गलती करेंगे तो फिर से वो दिखाएंगे आपको कि पहले जो माफी मांगी थी तो फिर से ऐसा मत कर। जी स्वामी, बराबर। अभी दूसरे तो इधर उधर हो जाते, लेकिन शुद्धात्मा भगवान अपने तो अंदर ही है। हाँ। तो वो अपने को उसी समय बता देते कि अभी ये गलत हो रहा है आपसे, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बराबर जी स्वामी, ये हमारे गुजराती में, उसका हिंदी याद नहीं है, लेकिन गुजराती में कहते उसको चेत, ऐसा कहते, मतलब उसको हिंदी में चेता रहा है, वापस चेता रहा है, चेतावनी देना कि आप, चेतावनी देता है। हाँ। जो अंदर परमात्मा है वो आपको चेतावनी देता है, देखो ऐसी गलती करी, ऐसी गलती करी, ऐसी गलती। आपने ये पहले वो किया था कि ये मैं गलती नहीं करूंगा और आप वापस कर रहे हो, ये अपने को शुद्ध आत्मा फिर से सब बता देता है कि आप गलत कर रहे हो। उसके सामने किया ना, इसके लिए उसके सामने किया। हाँ, उनकी साक्षी में ही कर रहे हैं तो। हाँ। वो अपने को बार बार गलत रास्ते जाने से रोक लेते हैं एक तरह से। हाँ। तो पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया होगी। जी स्वामी, बिल्कुल बराबर। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। जी स्वामी, अभी भी क्या स्वामी जी, कोई भी संयोग होता है ना, तो कभी कभी ध्यान रहता है, कभी कभी वापस में अपने ही स्वरूप में, जैसे नीलम बेन वो वापस उसी में पहले जैसे होने लगते हैं, फिर से वापस ध्यान आता है कि नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं कहना। पर मतलब जागृति आती भी है, लेकिन फिर जाती है, आती है, ऐसा हो रहा है। सही बात है। तो ये जो आपको ज्ञान मिला लेमिन, तो वो आप अपने जो उसके लिए पुरुषार्थ किया है और आपको ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? आपको जो मिला है वो कृपा से मिला है। जी स्वामी, तो जी अगर आपने खुद ने पुरुषार्थ करके ये ज्ञान प्राप्त किया है तो फिर ये सब नहीं होगा। जी स्वामी, बराबर। अब क्या होता है, ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ आपको, तो ये ज्ञान क्या काम कर रहा है कि जैसे नीलम बेन है, वो उनका जो अज्ञान का व्यवहार है, जी स्वामी, तो वो अज्ञान का व्यवहार जो लेके आए है वो करेंगे, और अपना ज्ञान कर क्या करेगा तो उसको दिखाएगा। अंदर बैठे शुद्ध शुद्धात्मा भगवान वो बार बार उनको रोकेंगे वो गलत करने। हाँ, तो कि ये जो बंद नहीं किया है आपका, जो आपकी जो गलतियां है वो होने की बंद कर दी, ऐसा नहीं है।
आपकी जो गलतियां है उसको आप देखने और जानने वाले हो गए। जी स्वामी। क्यों? तो के ये जिस तरह से आपका आपका दिया था, लेकिन वो दिए के ऊपर कोई ढक्कन लगा दिया है तो उससे उजाला नहीं आता है। जी स्वामी। तो ये जो आवरण था, ढक्कन था, तो दिए के ऊपर से आवरण हटा दिया तो उस वो फुल प्रकाश हो गया। अब प्रकाश हो गया तो पहले क्या था कि कितनी भी गलतियां करते थे वो पता नहीं चलता था। जी स्वामी जी। तो अभी क्या हुआ, तो के आपको ज्ञान प्राप्त होने से आपकी गलतियों को आप देखने और जानने वाले हो गए। जी स्वामी जी, बराबर पता चल ही जाता है कि मेरे को ये नहीं करना था। तो जब ये होता है ना, तो इतनी बड़ी बात है ये कि आपके अंदर परमात्मा प्रकट होने के होवे तो ही ये चीज हो सकती है। जी स्वामी जी, बाकी तो अपनी गलती पता ही नहीं चले। ये उसका प्रमाण है, आपको आपकी गलतियां दिख रही है उसका प्रमाण है कि आपके अंदर परमात्मा प्रकट हुए। जी स्वामी जी। आपको ज्ञान मिला उसका ये प्रमाण है। जी स्वामी जी। मैं अब ये कैसा है, दूसरी से बात करूं तो जैसे पूरी टंकी भरी हुई है आपकी। जी स्वामी। और आपने पानी अंदर जो जा रहा था टंकी के अंदर, वो आपने जाने वाला पानी बंद कर दिया। जी स्वामी। बराबर है। तो आपके घर में पानी आने का, वो जब तक टंकी में है तब तक आएगा। हाँ, फिर बंद हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से ये जो नीलम बेन उनका जो व्यवहार लेके आए है, वो जो पूरा भाग लेके आए है, गलतियां लेके आए है, आपकी ब्लंडर्स निकल गई, लेकिन मिस्टेकें जो चालू है। जी सुन। आपकी ब्लंडर्स क्या थी कि मैं नीलम बेन हूं। जी सुन। वो ब्लंडर्स निकल गई, अब ये जो मिस्टेक है वो भी चल रही है। जी सुन। तो आपका पानी ऊपर जाने का जो चल रहा था, टंकी में जाने का था, वो ब्लंडर थी। जी सुन। वो बंद हो गई। जी सुन। लेकिन आप जो लेके आए हैं, वो जो व्यवहार है उसको आप देखने और जानने वाले हो गए, तो उसका यथार्थ आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करने वाले हो गए। जी अभी आपको जो धर्म में आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जो धर्म में दिया था वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन जो दादा भगवान ने जो ये समझ के साथ दिया कि कहाँ पे आपकी गलती कौन सी है। जी समझ में आया। तो आपको देखने और जानने वाले, मतलब नीलम बेन को देखने और जानने वाले हो कर दिए। जी समझ। नहीं, बहुत बहुत अच्छा और बहुत व्यवहारिक ज्ञान जो दादा ने दिया है बहुत। बाकी जैसे जैन है तो हम लोग धर्म मतलब उपवास वगैरह करना, सामाजिक करना, यही सब करके रह जाते थे, लेकिन क्या व्यवहार में धर्म को कैसे लाना है कि तो और हमको ये ज्ञान मिला, ये बहुत पुण्यवानी है और उनका आशीर्वाद है जो ही हम पा सके। ये प्रमाण हो गया आपको, आपके अंदर परमात्मा प्रकट हुए है उसका प्रमाण हो गया। जी स्वामी, बराबर। बाहर जो दृष्टि थी, जो दृष्टि पहले बाहर थी, पूरी आपकी नीलम बहन के ऊपर दृष्टि हुई तो कितनी बड़ी बात है, पूरी दृष्टि चेंज हो गई। जी स्वामी। बाहर जो दृष्टि थी वो अंदर दृष्टि हो गई। अब निष्पक्ष भाव से खुद को भी एग्जामिन करने लग गए। हाँ जी स्वामी, बहुत अच्छा समझ, बहुत बहुत कृपा आपकी, आशीर्वाद आपका बना रहे स्वामी। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न? बंसल जी बोलिए। मिसेस बंसल बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। एक तो ये आहार ही आहार करता है,
अवस्था मात कुदरती रचना है जिसके रचयिता कोई बाप भी नहीं है और यह व्यवस्थित है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें समझ में आपको कौन सी जगह पे नहीं आया? इसमें ये कि आहारी आहार करता है और निराहारी सिर्फ मैं उसे जानता हूँ, वो मुझे बताइए कैसे। तो कहिए जो ये आहारी अपन जो खाना खाते हैं तो ये जो आहार करता है तो कौन करता है? आपका नाम क्या है? सुशीला। तो ये आहार करते हैं कौन करते हैं? सुशीला करती है। सुशीला जी करते हैं, और उसको देखने और जानने वाला कौन है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा तो उसको देखने और जानने वाला है। तो ये जो आहारी आहार करता है और निराहारी मात्र उसको जानता हूँ। तो निराहारी निराहारी कौन हुआ? कौन? निराहारी। निराहारी कौन हुआ? तो के जो ये आत्मा है। अच्छा, तो आत्मा आत्मा को कोई आहार चाहिए? नहीं। किसको खाना पड़ता है? सुशीला को खाना पड़ता है। समझ में आया। तो सुशीला जो है तो उसका जो पुद्गल है तो पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूर्ण और गलन। अच्छा, समझ में आया। और आत्मा का स्वभाव पूर्ण गलन वाला नहीं है। अच्छा, सुशीला जी का स्वभाव पूर्ण गलन वाला है। तो जो आहार करते हैं वो सुशीला जी करते हैं और शुद्ध आत्मा का कोई आहार नहीं है, पूर्ण गलन का स्वभाव ही नहीं है। उसका स्वभाव क्या है? तो कि उस देखने और जानने का। अच्छा, अभी तक क्या होता था? तो कि जो अपन आहार लेते थे तो आहार में क्या होता था? तो कि मैं आहार करता हूँ, लेकिन फीलिंग तो अभी भी यही रहती है कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। सही बात है, फीलिंग वही रहती है, लेकिन अपने को ये समझ बनाने की है, ये समझने का है सुशीला जी के भाई सुशीला खा रही है और मैं खाने वाला हूँ ही नहीं। तो उससे क्या होगा सुशीला जी, कि जैसे पहले क्या था तो कि आप जो खाना खाते थे तो वो खाना खाने से खाने में आपका जो ध्यान था वो कोई कई कामों में रहता था। समझ में आया? क्योंकि अहंकार के साथ व्यवहार था। अच्छा, और ये जो व्यवहार है कि आहारी आहार करता है और निराहारी मात्र मैं उसको जानता हूं, तो आपका व्यवहार जो बनेगा वो खाने के प्रति भी एक उपयोग के साथ व्यवहार बनेगा। तो उसको कैसे कायम रखें कि भाई मैं नहीं खा रहा हूँ सुशीला खा रही है? कैसे रखने का है कि जब भी आप खाना खाओगे तो ये प्रार्थना करके बैठने का है आपको। अच्छा, समझ में है। हाँ जी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले त्रिमंत्र बोलते हैं, फिर इस तरह से ये सेट करके बैठते हैं कि आहारी आहार करता है और निराहारी मैं उसको जानता हूँ। समझ में आया? हाँ जी सुशीला जी। तो ये कायम रखने के लिए आपको जब भी आप खाना खाते हो तो ऐसे प्रार्थना करके बैठने का, तो फिर उसका उसी तरह से ध्यान रहेगा, फिर उस तरह से सेट हो जाएगा। अच्छा, समझ में आया? हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया। और पहले जो आप जो खाना खाते थे और खाना खाने में जो पहले आपका खाना खाने में भी ध्यान नहीं रहता था कि आपने क्या खाया कितना चबाया नहीं चबाया, और ये आप विधि करके करोगे तो आपको सब कुछ नजर में आएगा कि मैंने ये जो खाया वो टेस्ट कैसा था, ये ज्यादा था ये कम था, सब कुछ आप देखने और जानने वाला बनोगे। ये सुशीला जी को अच्छा लगा, ये सुशीला जी को अच्छा नहीं लगा। पहले क्या था तो के जो अच्छा लगता था वो ज्यादा खाते थे, जो अच्छा नहीं लगता था वो कम खाते थे। तो अभी ऐसा करने अभी से क्या होगा कि आप अच्छा अच्छा लगता है तो भी आप जानेंगे कि देखो ये सुशीला जी को अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगेगा तो भी वो आप उसको जानोगे
कि देखो ये अच्छा नहीं लगता है, तो आपका देखने और जानने का व्यवहार पूरा उसका उपयोग बन जाएगा। अच्छा, तो उसका बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। लेकिन जब कोई चीज अच्छी नहीं लगी है और कोई अच्छी बहुत लगी है, तो उसका बताना है कि नहीं कि ये अच्छा नहीं लगा या बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी लगा किसको लगा? वो सुशीला को लगा। और अच्छा नहीं लगा किसको लगा? वो भी सुशीला को ही लगा। बस, तो पहले क्या था, तो ये देखने और जानने वाला भाग नहीं था। तो उससे क्या होता था, तो कि असर होती थी। असर क्या होती थी कि ये अच्छा नहीं लगा, ये चीज ऐसी आई है, ये प्रोविजन स्टोर वाले ने ऐसा चीज दिया है तो इस तरह से बराबर बनता नहीं है, बहुत सारे दोषित दिखते थे। जी, ठीक बात, समझ में। यदि आपने खाना नहीं बनाया है या हाँ। और ने किसी ने बनाया है तो और का भी आपको दोष दिखेगा। हाँ, कि इसका हद तो ऐसा ही है, नमक ज्यादा ही डाल देती है, तीखा ज्यादा ही कर देती है। आपको मीठा अच्छा लगता होगा और तीखा कम अच्छा लगता होगा, तो आप तीखे के लिए बोलोगे। तीखा अच्छा नहीं लगता है, मीठा अच्छा लगता है, तो उसके लिए बोलोगे। लेकिन ये जो आपका व्यवहार है, तो क्या था, असर वाला बन गया। और आप ये विधि करके बैठते हो तो आपको जो जो भी ये सब असर हो रही है, तो उसको आप देखने और जानने वाले बन जाओगे। तो आपका जो दोष देखने का व्यवहार है दूसरों के लिए, आपको जो क्रोध होता है, गुस्सा आता है, किसी की गलती दिखती है, तो उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। सुशीला जी, समझ में आया? हाँ, ये समझ में आ गया। दूसरा एक और प्रश्न है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसके रचयिता कोई और कोई बाप भी नहीं है, यह व्यवस्थित है। तो के अवस्था, तो के अवस्था किसके लिए बोला है? तो ये जो आपका मन है, आपकी वाणी है और आपका आपकी जो काया है, मन वचन काया का जो भी आपका व्यवहार है, या तो किसी का भी व्यवहार है, तो के उसका उसका उसकी रचना कैसे हुई है, तो कुदरती रूप से। कुदरती रूप से मतलब चमत्कार से? तो के नहीं, तो के आपके जो भी पाप है, आपके जो भी पुण्य है, उसके हिसाब से आपके साथ किसी का भी व्यवहार बनता है। तो के आपके पाप और पुण्य के हिसाब से अपने आप कुदरती रचना बनती है। अच्छा, आपका आपको आपके आपको किसी के साथ अच्छा है तो उसके लिए आपको अच्छे विचार आएंगे। अच्छा, आपको किसी के साथ अच्छा बनता है तो आप अच्छी बात करेंगे उससे। आपका किसी के साथ इस तरह का व्यवहार है तो आप आपकी काया से भी उसकी सेवा करोगे। जी, समझ में। ये कुदरती रचना है। अच्छा, पहले से ही मतलब आपका उससे? हाँ, पहले से है। पहले से कैसे? तो अपने जैसे भी उसके साथ संबंध थे और वो संबंध के साथ अपनों ने जैसे भी उसके उसके लिए भाव किए थे। अच्छा, या तो अपने अच्छे कुछ भाव करे होंगे या तो गलत भाव करे होंगे, उसके हिसाब से अभी ये जन्म में उसके साथ मिलने का आया। अगर गलत भाव किया है तो गलत आप उसके प्रति सोचेंगे। हाँ, अगर गलत भाव उसके साथ किए हैं तो क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो उसके लिए कुछ किया नहीं है, ये क्यों ऐसा करते हैं। जी, समझ में आया। लेकिन ये किसी ने किसी कोई इसका करने वाला नहीं है, आपके भाव के हिसाब से ही ये कुदरती रूप से पूरा बनता है। ये पूर्व जन्म का है, मतलब पहले पूर्व जन्म के हिसाब से पूरा ये कुदरती रचना बनती है। अब कुदरती रचना जो बन रही है, तो इसमें मेन चीज समझने की क्या है, तो कि ये कुदरती रचना है, यही समझने की जरूरत है। समझ आया? कुदरती रचना मेन चीज है।
अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था कि इसने किया उसने किया, ये ऐसा बोला, ये मेरे लिए गलत सोच रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, समझ गया। तो ये जो अपनी बाहर जो दृष्टि थी, तो वो बाहर की दृष्टि जो है वो मल वाली थी, गलत थी। समझ में आया। तो ये प्रति रचना आप समझेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई दोषित नहीं दिखेगा। ठीक है, अच्छा। हाँ, हम कुछ और ही मतलब निकालते थे। देखिए, कविराज ने इसके लिए पद में बताया, कुदरति रचना पूर्ण व्यवस्थित, कुदरति रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ में आया? हाँ, समझ में अच्छे से। ये बात उसको समझ में आ गई कि कुदरती रचना है, मेरे कर्म के हिसाब से ही कुदरत ने रचना करी है। जी, कर्म आपके कर्म के हिसाब से कुदरत ने रचना करी है, इसमें कोई करने वाला नहीं है। जी, तभी हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा तो हमारा पहले व्यवस्थित है। तो कोई भी आपके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करता है कि जहाँ पे आपको दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है, या तो कोई भी ऐसा व्यवहार करता है जहाँ पे आपको बहुत उसके साथ अच्छा लगता है, समझ में? तो दोनों जो व्यवहार है वो आपने ही दिया हुआ वापस आ रहा है। जी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। एक और प्रश्न है स्वामी जी, ये द्रव्य करीने संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनादि अनंता गुणों से थकी संपूर्ण शुद्ध हूँ। हिंदी में बताऊंगी, द्रव्य दृष्टि से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंता गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, मैं परिणमित अनंत अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। इसका थोड़ा मुझे बताइए। एक तो सर्वांग का मतलब मेरे को नहीं पता है, सभी रीत से टोटल। अच्छा, टोटल। ये जो बताया है वो आत्मा के गुण है। जी, समझ में आया। तो ये द्रव्य द्रव्य करीने हूँ संपूर्ण शुद्ध छू, सर्वांग शुद्ध छू, आपने हिंदी में बताया। हाँ जी। तो ये ज्ञान दर्शन आदि अनंता गुणों थकी हूँ संपूर्ण शुद्ध छू, सर्वांग शुद्ध छू, अनंत अग्नियों ने जाणवामां परिणमेली अनंती अवस्थाओं हूँ संपूर्ण शुद्ध छू, सर्वांग शुद्ध छू। ये जो आपको जो भी आपकी आंखों से दिख रहा है, पांच इंद्रियों से, आंख से, कान से, नाक से, जो भी इंद्रियों से जो भी आपको अनुभव हो रहा है, या तो मन में जो आपको विचार आते हैं, काया से जो हो रहा है, ये सब जो है वो ये ही है। मतलब क्या, ये मैं जो आत्मा का स्वभाव कैसा है, ज्ञाता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता है, और अनात्मा का जो है वो उसको अपन देखने और जानने वाले हो गए, मतलब उसको ज्ञेय कहते हैं शास्त्र में। अच्छा, जो देखने जानने वाला है उसको ज्ञेय कहते हैं, नहीं कहते हैं। और आप शुद्धात्मा हुए तो जो शुद्धात्मा है वो उसको देखने और जानने वाला हो गया। अच्छा, तो गे कौन हुआ? जो आपके मन में विचार आते हैं वो गे है, वाणी से आप बोल रहे हैं, बर्तन से आपसे हो रहा है, तो शुद्धात्मा है। ये तीनों चीज का देखने और जानने वाला हो गया तो शुद्धात्मा ज्ञाता हुआ, और ये जो है मन वचन का है वो ज्ञेय हो गए। अच्छा, ठीक है। मन में जो विचार आते हैं, काया से जो हो रहा है, समझ में, और वाणी से जो आप बोल रहे हैं, उसी तरह से कोई भी आपके लिए कोई विचार करता है, आपके लिए कुछ बोलता है, और आपके साथ जो व्यवहार करता है वो भी आपके लिए नहीं हो गया। दूसरा कोई करता है, कोई और करता है, उसको भी आपका आपके अंदर जो शुद्धात्मा है
उसको भी देखने और जानने वाला हो गया, मतलब बाहर का जो व्यवहार है उसको भी, अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है बाहर के व्यवहार को भी देखने और जानने वाला हो गए, और सुशीला बहन का जो व्यवहार है मन वचन काया का उसको भी आप देखने और जानने वाले हो गए। तो बाहर का व्यवहार और ये व्यवहार ये क्या हो गए? नहीं, ये आई मीन अंदर जो, और ये ज्ञे हो गया तो शुद्धात्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञाता है और दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा, समझ में आया? वो ज्ञे और मैं ज्ञाता, वो दृश्य और मैं दृष्टा, जिसको देखते हैं वो दृश्य और जो देखते हैं वो दृश्य। हाँ, और जो दृश्य को देखने वाला कौन? ज्ञाता, दृष्टा, 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 समझ में? दृश्य एंड दृष्टा। हाँ, और जो ये है दृश्य है उसका अपन देखने और जानने वाले हो गए, ज्ञाता दृष्टा हो गया, जो आपको शुद्धात्मा बना, शुद्धात्मा प्रकट हो गया। तो पहले क्या था? तो कि ये करता है वो करता है ऐसा था, मैं करती हूँ ऐसा था। तो अभी मैं नहीं करती हूँ, वो नहीं करते हैं, ये सब नहीं करते हैं, और जो कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसको मैं देखने और जानने वाला हो गया। अच्छा, वो जो करते हैं उसको मैं सुधारने वाला के बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अभी तक क्या था? तो क्या आपने अपने ज्ञेय और ज्ञाता का संबंध खुला नहीं था, तो क्या था? तो कि बाहर जो दिख रहा है और अंदर जो हो रहा है उसको, बाहर और अंदर जो हो रहा है उसको सुधारने के लिए जा रहे थे। हाँ, समझ में कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं, अब नहीं आने चाहिए, तो मन को सुधारने के लिए जाते थे। हाँ, वो ऐसे ही होता है, समझ में आया? हाँ जी। अभी तक आप बोल रहे थे ना लगे, ऐसी वाणी निकलेगी तो आपको क्या होगा कि मेरे को वाणी सुधारने की है। समझ में आया? जिस तरह से मन में विचार आते हैं वाणी में होता है, तो मन को सुधारोगे आप, वाणी को सुधारोगे। और सुशीला जी से जो कोई भी व्यवहार होता है, वर्तन होता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको भी सुधारने के लिए आप जाओगे। समझ में? तो अभी आप जो सुशीला जी है वो ज्ञेय हो गए, और शुद्धात्मा का जो स्वभाव है वो सुशीला जी को ज्ञात, उसका जो स्वभाव खुला हुआ तो वो ज्ञाता हो गया। तो अभी सुशीला जी के जो मन में विचार आते हैं, वाणी से जो निकलता है और काया से होता है, वो सबको देखने और जानने वाला हो गया, सुधारने वाला नहीं हुआ कि बिगाड़ने वाला भी नहीं हुआ जी। समझ में? पहले क्या था कि कोई आपके साथ अच्छा नहीं बोलेगा तो आपकी वाणी अच्छी निकलती होगी, फिर भी आप सोचेंगे कि इसके साथ तो ऐसा बोलना चाहिए, खराब बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। समझ में? तो आप जो बिगाड़ने वाले थे और सुधारने वाले थे, दोनों में से आप मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? तो कि आप गे हो गए, सुशीला जी जो है वो गे हो गए, और शुद्धात्मा उसको ज्ञाता हो गया उसका। ठीक है स्वामी। सुधारने का और बिगाड़ने का जो भी झंझट था उसमें से निकल गए और देखने और जानने वाले हो गए। बहुत अच्छा समाधान हुआ स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा ये प्रश्न है कि ना, ये जब हम आरती करते हैं ना, रोज जब रात को आरती करते हैं, तो मेरे थोड़े वर्ड्स मेरे को समझ में नहीं आते हैं कि दादा भगवान की आरती में जो वो कहते हैं, पहली आरती दादा की त्रिविध ताप टाले, वो त्रिविध ताप टाले, वो नहीं मेरे को समझ आता क्या है। वो हमने भी बहुत ज्यादा उसके लिए सोचा नहीं है, लेकिन ये जो त्रिविध ताप है
आदि व्याधि और उपाधि जो है, अच्छा उसके लिए, अच्छा आदि व्याधि जो जो हमारे को कष्ट आते हैं बाहर से अपने आप से, हाँ। नेचर जो देता है, अच्छा हाँ। वो और फिर वो दूसरे में वो है जब केवल दर्शन करें पोषाए ना पोषाए जगे, वो उसका क्या मतलब होता है? तो ये जो जो दादा भगवान का सेंटेंस है कि जगत को पोषाए, जगत को सही लगे कि ना लगे, अच्छा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, देखने और जानने वाला हूँ, तो उसको केवल दर्शन कहते हैं। अच्छा तो अच्छा चाहे जगत को कैसे भी लगे, हाँ कैसे मैं उसको उसको पोषाता है कि नहीं पोषाता है, अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, हाँ लेकिन मैं उसको देखने और जानने वाला हूँ, अच्छा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। राइट, क्योंकि ये तो वैसे तो हम हिंदी का सत्संग करते हैं ना, जो चरण विधि और ये सब, पर जब आरती गाते हैं तो वो तो गुजराती में है, तो तभी हमको ना ये मेरे मन में हमेशा ये रहता था। तो ये दादा भगवान के गुणों की भजना है, हाँ जी जो आरती करते हैं तो उनके गुण की भजना है। हाँ कोई भी आप कोई भी भगवान की माता जी की भी आरती करेंगे, हाँ जी माता जी के गुणों की भजना है। Right, और right. दादा भगवान मैंने कौन के आपके अंदर जो विराजमान है वो दादा भगवान, हाँ जी, जो आने जाने वाले नहीं है, हर एक जीव के अंदर विराजमान है वो, तो वो दादा भगवान की अपन भजना करते हैं। हाँ जी हाँ जी, समझ में आया ना? कोई समझो कृष्ण भगवान की करेंगे, राम की करेंगे, माता जी की करेंगे, तो कोई भी जो है तो उनके गुणों की करेंगे, और दादा भगवान की अपन आरती करते हैं तो दादा भगवान मैंने कौन के हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान जो परमात्मा स्वरूप है वो दादा भगवान, हाँ जी। और ये गुणों की भजना है, मतलब अपने अंदर जो आत्मा है, अपने अंदर जो दादा भगवान बैठे हैं, वो कैसे गुण वाले है उसकी भजना है ये, ठीक है। और एक मेरे को और मेरे मन में आता है हमेशा, जब भी हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना प्रगट दादा भगवान नी साक्षी है, तो मेरे को लगता है कि प्रगट दादा भगवान जो है, तो मेरे को लगता है जैसे हम पहले बचपन में हमारे को ऐसे सिखाया गया था कि जो हमारे आंखों के नेत्रों के बीच में भी एक आंख है जो भगवान देख रहे हैं सब कुछ, वो दृष्टा। तो मेरे को हमेशा ना जैसे मैं छोटी, तो मेरे को लगता है कि वहां ही दादा भगवान इधर बैठे हैं और देख रहे हैं मेरे को जो मैं कर रही हूँ। तो मेरे को जब जब वो सेंटेंस बोलते हैं प्रार्थना में प्रगट दादा भगवान नी साक्षी, तो मेरे को ऐसे वहां ही मेरा ध्यान जाता है कि ऐसे मेरे को जो दादा प्रगट है मेरे को देख रहे हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझने का है कि प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में मतलब क्या, तो कि आपका जो मूल स्वरूप है, आपका जो मूल स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, वो उसकी साक्षी में तृप्ता जी ये कर रहे हैं, जो भगवान को नमस्कार करते हैं या तो माफी मांगते हैं, आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, तो ये जो करने वाला कौन है? फाइल नंबर वन, तृप्ता। फाइल नंबर वन, तृप्ता जी। हाँ जी। तो वो किसकी साक्षी में करते हैं? तो कि आपका जो मूल स्वरूप परमात्मा स्वरूप दादा भगवान है अंदर, उनको साक्षी में रख के ये कर रहे हैं। हाँ, तो वो साक्षी कहाँ है, कहाँ देख रहा है? तो मेरे को लगता है दादा कहाँ है मेरे पास, अपने को कहाँ है वो अंदर है, कहाँ है वो जानने की जरूरत नहीं, आपका मूल स्वरूप है, आप खुद हो, आप खुद परमात्मा स्वरूप है, तो उसको कहाँ देखने का? खुद मतलब फिर तृप्ता तो शरीर नजर वो तो नहीं है ना परमात्मा, आप खुद हो, तृप्ता जी की बात नहीं करता हूं मैं, हाँ राइट।
क्योंकि त्रुपता तो मेरे को नजर आती है, तो मेरे को पता है कि फिर भगवान कहाँ है मेरे अंदर, ऐसे मेरे को डर होता है। आपका खुद का जो स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है, और दादा भगवान ने थोड़ी अच्छी रीत से बताया कि भाई भगवान अपने शरीर में किस तरह से है, तो कि जैसे बाल है, बाल है तो वहां पे नहीं है, जहाँ पे असर होती है तो वहां पे है, नाखून है तो नाखून बढ़ते हैं ना तो वहां पे नहीं है, हाँ जी। बाल बढ़ते हैं तो वहां पे नहीं है, बाकी हर एक जगह है, पूरे पूरे में फैले हुए है। हाँ जी। वो चींटी में चींटी जितने हो जाएंगे, और हाथी जो है वो हाथी के रूप में हो जाएंगे, और मनुष्य है तो मनुष्य के रूप में हो जाएंगे। समझ में आया? तो वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। समझ में आया? आपका मूल स्वरूप है, तो जो आपका मूल स्वरूप है उसको साक्षी में रख के तृप्ता जी प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ जी, तृप्ता जी करते हैं, आप नहीं करते हैं। नमस्कार विधि करते हैं, दादा भगवान को साक्षी में रख के नमस्कार विधि करते हैं, तो आपका जो मूल स्वरूप है उनको साक्षी में रख के तृप्ता जी सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन तृप्ता जी करते हैं। राइट, आपके मूल स्वरूप को साक्षी में रख के। समझ में आया? हाँ जी। मेन चीज ये समझने की है, बहुत बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। एकदम सीधी सीधी बात आप समझ लोगे तो फिर आगे कोई इस तरह से विकल्प नहीं होगा उसमें, कि क्यों करने का, कैसे करने का, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही विचार आते हैं ना, तो इसलिए बोलते थोड़ा अभी आपने अभी समाधान हो गया, ऐसे सब जरूरत नहीं है ये सब सोचने की। हाँ, बाकी सब सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ, राइट, या बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शरण जी, आवाज नहीं थी। शरण जी, हेडफोन निकाल दो, हेडफोन नहीं लगाना, सीधा लगाना, नो हेडफोन। बोलिए, आवाज नहीं आती आपकी। आवाज है? यस, हो गया जी। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि किसी की आदतें क्या चेंज हो सकती हैं? आदतें जी, किसकी आदत चेंज करने की है? एक्चुअली तो करनी अपनी ही है, लेकिन कभी कभी फाइल वन को भी लगता है कि फाइल टू की तरफ से थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, तो उनकी भी थोड़ी आदतें चेंज होनी चाहिए। तो समझो कि किसी की भी आदत बदलने की हो तो सबसे पहले क्या है कि उसको जो भी आदत है वो बारे में उसको टोकने का नहीं, टोकने का नहीं, टोकने का नहीं। अच्छा, समझ में आया जी। आपको कुछ ऐसा लगता है तो उसको बताने का कि भाई मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, अगर आप टोकोगे तो फिर आगे ज्यादा बढ़ेगा जी, बिल्कुल। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है तो कहने का कि मेरे को आपका बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, सिर्फ ये ऐसा लगता है। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर क्या होगा, तो कि सामने वाले को किसी को भी बुरा कोई देखे, बुरी तरह से कोई देखे तो अच्छा लगेगा नहीं। समझो कि आपके हस्बैंड है तो आपके हस्बैंड आपको देखेंगे या आप उनको देखेंगे तो एक दूसरे को अच्छे अच्छी तरह से साथ रहेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे तो ही अच्छा लगेगा ना जी। स्वामी जी, तो कहने का कि भाई आपका सब कुछ, आपका सब व्यवहार मेरे को बहुत अच्छा लगता है,
सिर्फ ये व्यवहार में मेरे को जरा ऐसा लगता है देखने जैसा जी, है? उसको टोकने का नहीं, टोकने का नहीं। अगर टोकोगे तो उस वो व्यवहार बढ़ेगा जी, बरोबर। और आपकी आदत कोई सुधारने की है? जी मुझे तो बहुत आदतें सुधारनी है अपनी, उसके के सब कैसा है कि समझो कि मेरे को मेरी आदत सुधारने की है जी। तो सबसे पहले क्या करना है कि मेरी जो आदत है तो वो आदत से क्या नुकसान होता है वो देखने का है। समझ में आया? अपन क्या करते हैं, आदत है इतना देखते हैं, लेकिन उससे जो नुकसान होता है ना उसका अपने को नुकसान कई बार दिखाई भी देता है, लेकिन उसको अपन नजरअंदाज कर देते हैं जी। समझ में आया? लेकिन वो जिस तरह से किसी से कोई नुकसान हुआ, समझो कि आपके हस्बैंड से हुआ, या तो आपके बच्चे से हुआ, या तो काम वाले से नुकसान हुआ जी, वो गिनती आप ज्यादा रखेंगे कि आपसे नुकसान कितना हुआ उसकी गिनती ज्यादा रखेंगे? मुझसे जो नुकसान हुआ वो अभी ज्यादा मैं रखती हूँ गिनती, सामने वाले का थोड़ा आपसे आपसे नुकसान हुआ वो गिनती कम रखेंगे, दूसरों से आपको नुकसान कितना होता है वो गिनती ज्यादा रहती है। अच्छा, एक बार थोड़ा फिर से गिनती से आपको ज्यादा नुकसान कितना होता है उसकी गिनती ज्यादा होती है, दूसरे व्यक्ति से मुझे जितनी नुकसान ज्यादा, आपको आपकी गलती से आपको कितनी कितना नुकसान है उसकी गिनती बहुत कम रहती है। आपका आप लाइफ में देखोगे ना तो किसी ने आपको नुकसान कराया होगा जी, तो कितनी बार याद आता है? वो तो काफी बार याद आता है। और आपसे आपको नुकसान हुआ वो कितनी बार याद आता है? वो कभी कभी लेट गो कर देते हैं, भूल जाते हैं कि चलो हो गया तो हो गया। समझ में आया जी, जी। तो अगर आपको आपकी आदत चेंज करने की है तो सबसे पहले दूसरे से आपको नुकसान होता है उसके बदले आपसे आपको कितना नुकसान होता है जी, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, समझा? जो आदत आपको है, जो भी आदत है, वो आदत आपको कितना नुकसान करती है, अपने दूसरों की आदत के हिसाब से अपने को प्रॉब्लम होता है उसकी गिनती तो है अपने पास, लेकिन अपनी आदत से अपने को कितना नुकसान होता है और अपनी आदत से दूसरे को कितना नुकसान होता है उसकी गिनती नहीं है। स्वामी जी, जैसे यहाँ पे मैंने सुना था कि ज्यादा वैसे बोलना नहीं चाहिए, कम ही बोलना चाहिए, तो अगर इस रूप में मैं कम बोलूं कभी तो फिर उसमें भी मुझे लगता है कि कभी मेरा नुकसान हुआ है। नहीं, कम ज्यादा की बात नहीं है, आपको बोलने का व्यवहार कैसा है कि जैसे जहाँ पे जितनी जरूरत है उतना बोलने का है, लेकिन क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन जी, तो ये आपने दादा का ज्ञान लिया हुआ है? नहीं स्वामी जी, यहाँ पे अभी थोड़े टाइम से ही आती हूँ मैं, आप जैसे सब बड़ों की थोड़े बात सुनती रहती हूँ। हाँ, तो के जहाँ तक ये जो सिमरन जी है वो सिमरन जी बने हैं होंगे गलतियों के हिसाब से बने होंगे या अच्छे व्यवहार के हिसाब से बने होंगे? ये जो राम भगवान बने या कृष्ण भगवान बने, वो कैसे व्यवहार से कृष्ण भगवान बने, और ये जो सिमरन जी बने वो कैसे व्यवहार से बने? स्वामी जी, उसमें दोनों बातें आ गई ना, कोई काफी बातें मेरी जो गलत होगी उससे साथ से भी, और जो अच्छी होगी उसके साथ से। सिमरन जी का जन्म हुआ तो कैसे हुआ? तो कि गलतियों के हिसाब से हुआ। गलतियों के हिसाब से हुआ। हाँ, जैसे परमात्मा का जन्म होता है, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, राम भगवान का जन्म हुआ, तो वो कैसे हुआ? तो कि उन्होंने उनकी गलतियों को खत्म कर दिया तो वो परमात्मा हो गए जी। समझ में आया? तो जहां तक आपको आपकी गलतियां नहीं दिखती है वहां तक आपका प्रोग्रेस नहीं है जी। आपका प्रोग्रेस कब होगा कि जब आपको आपकी गलतियां दिखेगी,
जी स्वामी, तो ये गलतियां कैसे दिखेगी? तो उसके लिए दादा भगवान ने सत साधन करके एक किताब है, वो किताब में त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नवकल्म, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, ये सब चीज दिया हुआ है। जी स्वामी जी। और दादा भगवान ना असीम जयकार हो, तो ये जो है शरण जी है वो आपको बता देंगे, वो उसमें लिखा है, वो नियमित रूप से आप करते जाएंगे। एक्चुअली स्वामी जी वो सब करती हूँ अभी, इसीलिए मुझे अपनी गलतियां दिखाई देती हैं। हाँ, तो फिर वो आप प्रश्न करो ना जी, बिल्कुल। तो जहाँ तक आपको आपकी गलतियां नहीं दिखाई देती है वहां तक प्रॉब्लम है, जब गलतियां दिखाई देने का चालू हुआ तो आप मार्ग पे आ गए। तो आप जब मार्ग पे आते हो तो आपको कैसा बोलने का कैसा नहीं बोलने का ऐसा नहीं है सिमरन जी, आप जो नव कल्म करते हो तो नव कल्मों में क्या है, तो कि जितना भी नव कल्मों में दिखाया है वो सब भावनाएं बताई हुई है। बिल्कुल। समझ में आया? हे दादा भगवान, मन कोई पण देहधारी जीवात्मा नो किंचित मात्र अहम न दुभाय न दुभावाय कि दुभाव प्रति न अनुमोदाय ही परम शक्ति आपो। शक्ति आपो। ये जो सब है ये पूरे है। तो आपने जो बोलने की बात करी कि ये बोलना नहीं चाहिए कि बोलना चाहिए कि कम बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको आपकी भावनाएं जो है वो भगवान से प्रार्थना करने की है, और कैसी भावनाएं करने की है वो नव कलमों में बताया हुआ है जी। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके भाव बदलने हैं। बिल्कुल। समझ में? तो ये आप नव कलम में करते हो तो उसमें आपके भाव बदल जाएंगे, वो अभी आपको रूपक में आ रहा है, मतलब अभी आप देख रहे हैं वो भाव के हिसाब से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अब अभी आप भाव सही करोगे तो जैसे आपने भाव सही किए तो आपको जैसा चाहिए वैसा आगे सब सही आएगा जी। समझ में? और आप अपन किसी से मांगते नहीं है, ये जो सिमरन जी के अंदर जो भगवान है, दादा भगवान जो सिमरन जी के जग का मूल स्वरूप है, समझ में? सिमरन जी के अंदर जो परमात्मा मूल स्वरूप है उससे अपन प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो तो मिलने वाला ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ भाव बदलने के, भाव सही करने के है, और ये नव कलमों के जरिए जी स्वामी जी, शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना है उसके जरिए, ये जो नमस्कार विधि है उसके जरिए, ये त्रिमंत्र है उसके जरिए, दादा भगवान ने असीम जी का है कार हो है उसके जरिए अपने को सब ये सब सही करने का जी स्वामी जी, वो अपने आप सही हो जाएगा जी। और जितना भी सही नहीं है, जितना सही नहीं है, जितनी गलतियां लगती है आपको, अपने को माफी मांग लेने की, बिल्कुल, तो वो सब आपकी जो गलतियां है वो धुल जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जी। समझ में? अच्छा स्वामी जी, कुछ कुछ चित्र ऐसे रहते हैं जो बार बार माइंड में, वो जो इससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। बराबर है। वो जो है ना, वो कई कई चीज ऐसी है कि अपने को अंदर आती है लेकिन कुछ अपने को याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है आगे कोई ऐसा देखा है, वो अपने को याद नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा है, तब आके अपने को याद आता है, चित में आता है, ये जो आपको दिख रहा है ना उसका, वो चित का काम है, फोटो दिखाने का, अपने अंदर जो चित है ना, समझो कि आप अभी दुकान पे है लेकिन आपको घर देखना है, तो घर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं ना, तो वो चित का काम है, आपको घर कौन बताता है कि आपके अंदर जो चित है वो आपको आपका घर बताता है, उसी तरह से आपने कोई बार कोई ऐसी चीज देख ली है या तो कोई कल्पना कर ली है लेकिन याद नहीं है। अच्छा, समझ में आया? वो कोई कल्पना कर ली है या तो कुछ देखा है तो ही आ सकता है,
नहीं वो देखा ही नहीं मैंने कभी। हाँ बराबर है, लेकिन उसके उस वो चीज पूरी समझ नहीं पड़े अभी, समझो टाइम हुआ है। अच्छा। तो मैं आपको पूरा आपको पूछकर आपको आपको जो याद आता है आपको चित्त में आता है वो सब पूरा जानना पड़ेगा। अच्छा। उसको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर जवाब मिलता है। अभी आपने क्वेश्चन किया है लेकिन टाइम लगभग हो गया है, लेकिन इतना समझने का है कि ये भाव का है या तो कोई अगले भाव का है, लेकिन कुछ ना कुछ है उसके हिसाब से आता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है वो तो माफी मांग लो स्वामी जी, लेकिन अगर उसका किसी से मेरा कनेक्शन हो किस बात में, तभी मैं पूछ रही थी, जानना तभी चाहती थी उस बात के बारे। अगर आपको कोई कनेक्शन पता नहीं चलता है तो भी दिक्कत नहीं है, कोई कनेक्शन पता नहीं चलता है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भगवान से कहने का है कि हे भगवान मेरे को ये जो ये मेरे चित्त के अंदर आता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरी कोई भी इस हिसाब से कोई भी गलती हुई है तो मैं फिर से ऐसी गलती ना करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। जी स्वामी जी। समझ में आया? तो उसकी माफी मांग लेने की है। आपको कनेक्शन लगता है कि नहीं लगता है, कुछ भी लगता है, लेकिन आता है तो कुछ ना कुछ है। जी ठीक है स्वामी जी। समझ में आया? कोई उस ऐसे ही नहीं आता है। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर से पूछिएगा। नेक्स्ट टाइम यस। जी जी। यस नो प्रॉब्लम। शरण जी। नेक्स्ट टाइम पूछिएगा। श्योर श्योर। आराव। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। को दूर कैसे कर रहे हैं? मेरे को बहुत ज्यादा चिंता होती है कि अगर मैं ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा चिंता रहती है, तो चिंता को दूर कैसे करूं? चिंता आपको होती है तो किस बात की होती है? कि जैसे कि मैं पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा कोर्स आ गया तो मैं कैसे करूं? मैं कोई भी गेम खेल रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि यार जीतना तो बहुत मुश्किल है, कैसे जीतूंगा, तो ऐसी चिंता हो जाती है। बराबर है। तो आरव आपको क्या करने का, जब भी चिंता होवे ना आपको, आरव जी हाँ, कोई भी चिंता होती है ना तो दादा भगवान को कहने का कि हे दादा भगवान मेरे को ये जो भी चिंता सता रही है, मेरे को ये जो सब प्रॉब्लम होता है वो आपको मैं समर्पित करता हूँ। जी समझ में आया? आप हमारे साथ में रहना। जी स्वामी जी। और आप हमारे साथ में रह के जो भी करेंगे वो हमको मान्य है। दादा भगवान आपके साथ में रहेंगे तो चलेगा नहीं? जी स्वामी जी। तो दादा भगवान को साथ में रखने का कोई तो भी काम करते हो तो जो भी चिंता होती है वो दादा को सौंप देने की। जी क्या करने का? चिंता होती है वो दादा को सौंप, और दादा भगवान को कहने का कि दादा भगवान आप हमारे साथ में रहिए। जी। और जहाँ पे भी ये सब प्रॉब्लम है उसमें आप हमारे साथ में रहिए और उसमें इसमें से हमको निकलने के लिए शक्ति दे। जी तो स्वामी जी अगर ऐसी चिंता होती है कि अगर पानी अभी नहीं डोलना तो बाद में बचेगा ही नहीं, तो क्या ये चिंता भी गलत है? कौन सा पानी? पानी ज्यादा डोलो मत नहीं बचेगा आगे, ये चिंता भी गलत है? देखो पानी आपको आप जो वेस्टेज करते हो ना पानी का, जी। तो पानी बचेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज का आपने वेस्टेज किया, पानी है, खाने की चीज है, या तो कपड़े है, कुछ कोई भी जो भी उपयोग में आप लेते हो ऐसी कोई भी चीज है, और जो चीज का आपने वेस्टेज किया उसको बिगाड़ा, तो वो चीज आपको जब जरूरत पड़ेगी तब आपको नहीं मिलेगा। जी समझ में आया? तो जी। ये जो बात है उसके हिसाब से समझा रहे हैं कि आपको पानी नहीं मिलेगा। जी स्वामी जी। कायम के लिए पानी आने का बंद हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तब वो चीज नहीं मिलेगी। जैसे आपका कोई दोस्त है,
बराबर है, और उसको 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 आपने कुछ बोल दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, ऐसा आपने कोई व्यवहार किया उसके साथ, तो फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी वो दोस्त की, तो वो दोस्त आएगा सामने आपके पास? नहीं नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको बिगाड़ दिया जी। समझ में आया ना जी? जो भी चीज आप अपन बिगाड़ते हैं, जो भी चीज का अपन नुकसान करते हैं, जो भी चीज का सही इस्तेमाल नहीं करते, वो चीज अपने को जब जरूरत पड़ती है तब नहीं मिलती है जी। समझ में आया ना? इसके लिए बताया आपको जी स्वामी जी। तो दादा भगवान की चिंता की किताब में लिखा हुआ था कि जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं उसे अगले जन्म में तिरंज गति मिलती है, तो हर मनुष्य चिंता तो करता ही है, तो क्या हर मनुष्य को तिरंज गति मिलती है? जो करेगा उसको मिलेगी। तो स्वामी जी, हर जना चिंता करता है तो हर जना अभी तो तिरंज गति में होना चाहिए। तिरंज गति में से वो चिंता करिए ना, जो चिंता उसने करी है उसका तिरंज गति में जाके भुगतान करेगा, फिर से मनुष्य में आएगा जी। लेकिन चिंता किया है ना उसने, उसका भुगतान करने के लिए वहां जाना पड़ेगा उसको, फिर भुगतान करके फिर से मनुष्य में आ जाएगा। तो ये चक्कर चालू ही चालू रहता है। जहां तक दादा भगवान जैसे कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं ना, वहां तक ये चक्कर चालू रहता है उसका। तो स्वामी जी, दादा भगवान ने तो बताया कि रिलेटिव स्वरूप का कर्म पूरा करके रियल स्वरूप में रहना है, तो रिलेटिव स्वरूप तो चिंता तो करनी चाहिए ना कि अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब पानी नहीं डोलना, ऐसा करना नहीं, तो हल्की हल्की तो उसको चिंता नहीं कहते, उसको चिंता नहीं कहते आराव, उसको देखभाल कहते जी। चिंता अलग चीज है, चिंता कैसी है कि आपको जलाएगी वो जी स्वामी जी, आपको जलन करेगी, आपको शांति से बैठने देगी जी, आपको नींद आती है, अगर कोई नींद आप बहुत थक नींद में सोने के लिए गए पलंग पे और चिंता हो गई तो एकदम से जलने का चालू हो जाएगा, जो भी नींद है आपकी थकान है सब कुछ चली जाएगी और आप जलन में आ जाओगे जी, उसको चिंता कहते हैं जी। जलन कराता है जय सच्चिदानंद। अभी टाइम हो चुका है आरव बेटे, आप त्रिमंत्र इनके साथ बुलाना साक्षात, जय सच्चिदानंद जी स्वामी जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावक प्रणासनो, सव पावक प्रणासनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणम च सवेसिम, परमम हवई मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।